तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ 15 जून 2020 की रात, जिस दिन ये भारत जब सो रहा था, तो भारत के वीर योद्धा बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई कर रहे थे, उस बॉर्डर की लड़ाई कर रहे थे। योद्धाओं ने उनको जो दर्द दिया है, वो आने वाली उनकी 7 नस्लें नहीं भूल पाएंगी। कोई नेता नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई क्रिकेटर नहीं। अगर इस देश में सबसे स्पेशल प्रिविलेज अगर किसी भी परिवार को मिलना चाहिए, तो वो हमारे शहीदों का परिवार है। एक सेलिब्रिटी का बच्चा अगर कहीं ड्रग्स ले लेता है, तो 1 महीने तक वो न्यूज़ दौड़ती रहती है। लेकिन वहीं अगर एक जवान शहीद हो जाता है, तो 1 दिन भी उसको कवरेज नहीं मिलती है। जिन्होंने अपनी जान इस देश पे न्यौछावर कर दी थी, उनके बेटे ने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया है। सिर्फ एक नहीं, 2 रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, एफकेट और CDS, और हमारी SSB की टीम उस बच्चे की SSB की प्रिपरेशन करवा रही है। और उम्मीद है कि वो बच्चा उस सपने को लेके आगे बढ़ेगा और उस सपनों को साकार भी करेगा। नमस्कार, जय हिंद। 15 जून 2020, आप सबको याद होगा। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेंडिंग में कहीं ये चीज दिखी नहीं जो दिखनी चाहिए। बहुत कुछ दिख रहा था, ब्रह्मास्त्र दिख रहा था, सुशांत सिंह राजपूत दिख रहे थे, इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें दिख रही थी, लेकिन गलवान वैली कहीं पर ट्रेंड नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, हम भूल जाते हैं इस चीज को, उनके बलिदान को भूल जाते हैं। और जब बात करें उस पड़ोसी मुल्क की, वो पड़ोसी मुल्क जिस पे हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, 1962 क्यों ना हो, 2020 क्यों ना हो, या वो 2022 क्यों ना हो, वी कांट ट्रस्ट दैट कंट्री, जिसने अनएथिकल वे से, जो हथियार नहीं रखने चाहिए थे पेट्रोलिंग के वक्त, वो हथियार अपने पास रखे हुए थे और हमारे वीर योद्धाओं पे यूज किए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल बहुत साफ है, हम विश्वास करते हैं लोगों पे, लेकिन जब एक विश्वासघात हो जाता है, फिर विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन हमने फिर से विश्वास किया और उसका नतीजा भुगता। वो अलग बात है कि उन 20 योद्धाओं ने उनको जो दर्द दिया है, वो आने वाली उनकी 7 नस्लें नहीं भूल पाएंगी। एक वीर योद्धा के लिए, एक सोल्जर के लिए, बैटलफील्ड एक सपना होता है कि वो चाहता है कि उसे देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिले, और उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, और ये देश उन पे नाज करता है। लेकिन हम एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री उनके परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि वो तो चले गए, उनके परिवार ने अपना संतान खो दिया, और अगर ये देश उनको वो संरक्षण नहीं दे पाता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर है, ये हमारी हार है। मुझे याद है जब ये घटना घटी थी, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फोन आ रहे थे, लेकिन मैं निशब्द था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ इस मूवमेंट पे, इस देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ इस देश की रक्षा करने के लिए, वो तो मेरा कर्तव्य है, वो तो मेरा धर्म है, वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन उसके उन परिवारों का क्या। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि इस देश में जितने भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश के नाम की है, उनके बच्चों का अगर वो सपना है कि वो वर्दी पहनना चाहते हैं, उस देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो अभिषेक झा और उसकी संस्थान, उसकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी रहेगी उनके लिए। और पूरी टीम को ये साफ साफ क्लियर मैसेज में बताया गया है कि उनसे स्पेशल हमारे लिए कोई नहीं है, क्योंकि जो उनके पिताजी ने इस देश के लिए कर दिया, वो एक किसी आम नागरिक के लिए सोचनी भी बहुत बड़ी बात है। तो आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि उस इनिशिएटिव के माध्यम से मेरे पास 25 से ज्यादा योद्धाओं के परिवार के बच्चे हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं। उनका भी वही सपना है कि इस देश की रक्षा करनी है, वो वर्दी पहननी है, और अपने पिताजी का नाम रोशन करना है, और इस देश का नाम रोशन करना है। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस इनिशिएटिव के बच्चे ने भी, इसका नाम अक्षय राणा है, जिनके पिताजी बहुत सारे ऑपरेशंस के पार्ट रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश पे न्यौछावर कर दी थी, उनके बेटे ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है। सिर्फ एक नहीं, 2 रिटर्न एग्जाम क्लियर किए हैं, एफकेट और CDS, और हमारी SSB की टीम उस बच्चे की SSB की प्रिपरेशन करवा रही है। और उम्मीद है कि वो बच्चा उस सपने को लेके आगे बढ़ेगा और उस सपनों को साकार भी करेगा। मेरा एक आम नागरिक का रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि यार, उनका परिवार इस देश में, कोई नेता नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई क्रिकेटर नहीं, अगर इस देश में सबसे स्पेशल प्रिविलेज अगर किसी भी परिवार को मिलना चाहिए, तो वो हमारे शहीदों का परिवार है। एक सेलिब्रिटी का बच्चा अगर कहीं ड्रग्स ले लेता है, तो 1 महीने तक वो न्यूज दौड़ती रहती है। लेकिन वहीं अगर एक जवान शहीद हो जाता है, तो 1 दिन भी उसको कवरेज नहीं मिलती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश के मीडिया का दुर्भाग्य है कि वो देश की प्राथमिकता, जिससे ये देश चल रहा है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनको तवज्जो ना देके किसी और विषय वस्तुओं को तवज्जो देते हैं, जिनसे उनका TRP बनता है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ, वो मैं करता रहूंगा, और आप लोगों से ये अनुरोध है, ये निवेदन है
कि जहां कहीं भी आपको मौका मिले उन परिवार के लिए कुछ करने का, तो अपनी जान झोंक दो, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य ने अपनी जान झोंक दी है इस देश के लिए। जय हिंद।